स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ जेएनके पुलिस की बताई जा रही है ये महिला। इन पर कुछ अज्ञात शख्स आए और उन्होंने गोली बरसा दी जिससे उनकी हत्या हो गई है और बताया जा रहा है कि अब इस पूरे इलाके को आर्मी ने वहां पर कंट्रोल करने की सिचुएशन कोशिश कर रही है। और शोपिया में महिला पुलिसकर्मी की हत्या का ये मामला है। साउथ कश्मीर के अंदर शोपिया में एक महिला एसपीओ पर, स्पेशल पुलिस ऑफिसर पर कुछ अज्ञात लोगों ने गोली चला दी है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट है आपके पास? कुछ पता चल पाया है कि किसने ये हरकत की है? देखिए, बिल्कुल, ये जो एक एसपीओ थी, लेडी एसपीओ शोपियां में रहती है, वहीं पर आज सुबह लगभग 2:30 बजे के करीब जो है कुछ आतंकी आए हैं, खुशबू जान इसका नाम है, इसके घर आए और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से खुशबू को निशाना बनाया जिसमें इसकी मौत हो गई है। आपको बताऊं, ये सीधे तौर पे शक यही जताया जा रहा है कि कुछ आतंकी थे जो वहां पहुंचे और उन्होंने इसके घर में घुसकर जो है इनको निशाना बनाया जिसमें ये जख्मी हो गए थे। उसको तुरंत बाद हालांकि वहां से अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई मगर तब तक देर हो चुकी थी और जो खुशबू जान है उनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि इसके तुरंत बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेरा है मगर एक बार फिर जो सिलसिला कश्मीर में आतंकियों द्वारा जो है पुलिस के लोगों को निशाना बनाने का शुरू हुआ है वो दर्शाता है कि फिर से उसी तरह का दौर जो कुछ समय पहले आतंकियों ने शुरू किया था फ्रस्ट्रेशन में आकर जब उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही थी उसको शुरू करने की कोशिश की जा रही है। शोपियां जो है काफी आतंकी प्रभावित इलाका और कई आतंकी गतिविधियां पिछले कुछ समय में वहां देखी गई हैं। हालांकि पुलिस अब ट्रैक कर रही है जो आतंकी वहां आए थे वो कहां से आए थे उनको ट्रैक करके उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है मगर इस दुखद घटना में एक बार फिर इस जो एसपीओ हैं पुलिस की खुशबू जान उनको निशाना बनाया गया जिसमें उनकी जान चली गई है। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।